किसान भाई नमस्कार, मैं मोहम्मद समीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई खेती केंद्र। किसान भाई, क्या आप जानते हैं गरम मसाले में तेज पत्ता पड़ने वाला कहाँ से तैयार होता है और कैसे तैयार होता है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ तेज पत्ता कैसे तैयार होता है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन दिख रही है सब्सक्राइब, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। तो किसान भाई, ये जो देख रहे हैं हमारे पीछे, ये जो पत्तियां हैं, ये तेज पत्ते की पत्तियां हैं। ये देखिए, पूरा पेड़ देखिए, ये पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे जाते हैं, जैसे यूकलिप्टस का होता है, सफ़ेदे का पेड़ होता है, इस तरीके से लंबा लंबा होता है। मैंने इसकी कटाई कर दिया है, थोड़ा छोटा हो गया है और अभी इसमें नई नई डालें आई हैं, इसलिए थोड़ा सा दिख रहा है, नहीं तो बहुत छोटा कर दिया था। तो किसान भाई, ये तेज पत्ता बहुत टेस्टी होता है गरम मसाले में। अगर गरम मसाले में तेज पत्ता ना रहे तो गरम मसाला अधूरा माना जाता है। और ये तैयार कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ये पेड़ सिर्फ पत्तियाँ ही देती हैं और इन पत्तियों को तोड़ के धो लिया जाता है। जो परिपक्व पत्तियाँ हैं, इस तरीके से जो परिपक्व पत्तियाँ, सरल भाषा में कहें तो जो पत्तियाँ कड़ी हो चुकी हैं, उसी में खुशबू आता है और टेस्ट आता है। तो उन पत्तियों को तोड़ के जितनी आवश्यकता हो उतनी तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद में उसकी पानी से अच्छे से धुलाई कर दीजिए ताकि उस पर जो धूल मिट्टी हो, गंदगी हो, वो छूट जाए। उसके बाद में उन पत्तियों को कड़ी धूप में सुखा लीजिए। कड़ी धूप में इसलिए कि कड़ी धूप में जब सुखाएंगे तो पत्तियों का कलर जो है, रंग बहुत अच्छा आएगा। और अगर हल्की धूप में सुखाएंगे, जैसे सर्दी के टाइम पे, तो पत्तियां काली पड़ जाएंगी। इसलिए इन्हें कड़ी धूप चाहिए, कड़ी धूप रहे तभी इनको सुखाइए और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। जब ये पत्तियां धुल जाएं और सूख जाएं, जब सूखने के बाद में पूरी अच्छी तरीके से सूख जाएं, तब ये मसाले के लिए तैयार हैं। तब आप इसे मार्केट में गरम मसाले के रूप में बेच सकते हैं। आप चाहे फुटकर बेचिए, चाहे होलसेल बेचिए। और गरम मसाला हर जगह बिकता है, आप फुटकर भी बेच सकते हैं और होलसेल में भी बेच सकते हैं, तो इससे आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। किसान भाई, इस पेड़ को आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं। घर के अगल बगल जगह हो तो एक पेड़ लगा दीजिए और अपने लिए तेज पत्ता तैयार कर लीजिए और थोड़ा बहुत मार्केट में बेच के कुछ पैसे भी बना सकते हैं। तो किसान भाई, एक छोटी सी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो वीडियो को, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, बस आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग और सपोर्ट बना रहेगा तो मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको देता रहूँगा। तो किसान भाई, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।